औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, हम्दो व नसल्ली अला रसूल अल-करीम, अम्मा बाद, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो इंग्लिश की तीन किताबों का ओवरव्यू देता पढ़ाऊँ, इसमें सबसे पहले किताब है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ठीक है जी। ये किताब जो थी हाफज़ करीम दाद चुगताई की किताब है, CSS ऑफिसर है, ये बड़ी अच्छी किताब है और ये नॉर्मल बिकती रहती है, अच्छे पढ़ने वाले इसको पढ़ते हैं। दूसरी किताब है वो JWT की है, जहांगीर वालों की, डिस्कवरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, ये भी बहुत अच्छी किताब है और ये भी बिकती है, ये भी यानी जो जिसको इलम से मोहब्बत है ना वो इसको ज़रूर परचेज़ करता है। थर्ड किताब है जी इंग्लिश लिटरेचर MCQs की, इसके अंदर भी ये भी किताब बिकती रहती है, यानी कभी कभी बिकती है, फर्स्ट टाइम मेरे पास आई है ये किताब सबसे ज़्यादा बिकती है, फिर ये बिकती है, ये फर्स्ट टाइम आई मेरे पास, तो ये तो इसका तो मैं ओवरव्यू दे चुका हूँ पहले भी, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर आप ही देख सकते हैं, मैं इसका हल्का सा ओवरव्यू देता पढ़ाऊँ, समझने वाले ना खुद ही समझ जाएंगे, देखें हर एक एक लाइन, आखिर नॉलेज तो है ना, ये देख लें, ठीक हो गया जी। ये इसके पहली किताब है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ, अल्लाह फजल करे। ये इसके टेबल ऑफ कंटेंट आ रहे हैं, वोकैबुलरी आ रही है, उसके बाद करेक्शन आ रही है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स आ रही है, अब इसके अंदर डिफरेंट इसके ना प्रीस्पेसी राइटिंग आ रही है, रीडिंग कंप्रीहेंशन आ रही है, ग्रामर आ रही है। देखिए नीचे उन्होंने ईयर भी लिखा हुआ है कि 2022 के CSS में भी चीज़ें पूछी गई हैं, ये इसमें दिया गया है। उसके बाद डिस्कवरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश आ गई है, ये JWT की किताब है, ठीक है जी, इसको हम देखते हैं। अब तीन किताबों का मैं इकट्ठा आपको ओवरव्यू देता पढ़ाऊँ, हम इसके अंदर जा रहे हैं और अभी देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट शुरू हो गई है, ये भी एक अच्छी किताब है, पढ़ने वाले मंगवाते हैं, ये से कंटेंट आ रहे हैं। अब ये देखना पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, काइंड ऑफ नाउन, चलते जाते हैं आगे, वर्ब जो भी है, स्पीच आ रही है, प्रपोजिशन आ गई, चैप्टर नंबर अब 3 आ गया इसका, फॉरेन वर्ड्स आ गए हैं, वोकैबुलरी आ गई है, पंक्चुएशन आ गई है, डेरिवेटिव्स आ गए हैं, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ट्रांसलिटेशन है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गई है, कॉमन वर्ड्स आ गए हैं, वर्ब्स आ गए हैं, बहरहाल जो भी है, फिगर ऑफ स्पीचेस आ गई है। अब ये इसकी ना टेबल ऑफ कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कैसे बताएं आपको, बस आप देख लें थोड़ा सा, आप इसके अंदर चलते हैं, काफ़ी अच्छी देखें ना, अच्छा आ रहा है इसके अंदर PMS 2019-20, उसके बाद आ रहा है पेपर दिए हुए सारे इसके अंदर, इसका मत उन्होंने, ठीक है जी, जो पेपर हैं वो भी दिए हुए हैं, ये देखें आप 2021 तक अपडेटेड किताब है, देख लें आप इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन के सारे दिए हुए उन्होंने, अब ये चलना शुरू हो गया, अच्छे अंदाज से लिखी गई है, देखें आप कैसे समझाया गया है, हाँ मैं इसको आगे चलता पढ़ाऊँ। द मैन वॉज रनिंग क्विकली अलॉन्ग द पाथ, अब इसमें उनका जो स्टाइल है ना उसमें अटैलिक स्टाइल है, जिसके अंदर उन्होंने द मैन वॉज को नॉर्मल फॉन्ट में लिखा है, रनिंग क्विकली को उन्होंने अटैलिक में लिख दिया है और अलॉन्ग द पाथ लिख दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल दी जा रही हैं आपको समझाने के लिए। नीचे एक्सरसाइज भी देख लें आप, ये एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, उन्होंने दो दो ऑप्शन दे दिए, फ्यू ऑफ यू, फ्यू आएगा या ऑफ यू आएगा, एल्डेस्ट आएगा या ओल्डेस्ट आएगा, लास्ट आएगा या लेटेस्ट आएगा, ईच आएगा या एवरी आएगा, मच आएगा मैनी आएगा, एक एक चीज़ CSS के अंदर, PMS के अंदर, इंटरव्यूज़ में आपको एक एक चीज़ एक एक नंबर आ रहा होता है। काफ़ी अच्छी किताब लिखी गई है, 50-50 हज़ार रुपये का माशाल्लाह, लाख लाख रुपये का आईफोन परचेज करते हैं, 6-7 लाख आईफोन हो गया है, तो ये 2-2-3 दिन आगे किताबें खरीदते हुए क्या मसला है, जिन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी, जिन्होंने ज़िंदगी बनानी है, सारी उम्र काम आना है, इन किताबों पर ना सोचा करें कितने की है, किताबों की खाल उतारनी बंद कर दें, ये किताबें आपका एसेट्स हैं, दोस्त हैं आपकी। फिगर ऑफ स्पीच आ गई, कितनी अच्छी किताब लिखी हुई देख लें आप, ज़्यादा अकल भी ना ख़तरनाक होती है, इंसान के अंदर तकबर पैदा हो जाता है, वो समझता है कि मैं हरफे कुल हूँ, बस जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। ये देख लें आप 992 इसके सफ़े हैं, अब इसकी कीमत देख लेते हैं कितनी है, समझो 1000 सफ़ा है इसका, और इसकी कीमत है सिर्फ 1300-1300 रुपये कीमत है, 1299, बहुत कम कीमत है, बहुत कम कीमत है, और इसकी कीमत कितनी है लिखी हुई है, इसकी 1400 लिखी हुई है, 1400, यानी देखें इसमें फासला आ रहा है, ये देख लें, ये किताब मोटी है कीमत कम है, किताब पतली है कीमत ज़्यादा है, अब इसी कीमत देखते हैं, ये तो इससे भी पतली लग रही, देख लें इससे भी पतली, 1400 से भी पतली लग रही, 1400-1300, अब इसको देखते हैं इसी कीमत कितनी है, ऑब्जेक्टिव आ गई है, मोहसिन रज़ा की लिखी हुई है, एज पब्लिशर ने छापी है, इसकी 800 कीमत है, चलो इसकी कीमत ठीक है, अब इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं, बस इसका कागज़ नॉर्मल ही है,
अब इसकी टेबल ऑफ कंटेंट आप देखें अगर आपको समझ आती है तो, ये सोल पेपर आ रहे हैं सीएसएस इसमें भी आ रहे हैं 2013 बस। ये किताब भी मेरे ख्याल में ठीक है, अच्छी लिखी हुई है, एमसीक्यूज आने शुरू हो गए हैं। एएच पब्लिशर ने छापी किताब ये, इसमें एमसीक्यूज भी शामिल हैं। इस किताब को भी थोड़ा ओवरव्यू करके देख लेते हैं, ये देख लें आप। अब ये तीनों किताबों को रख लेते हैं ऐसे करके, दिखा ही लेते हैं, बल्कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ये देख लें आप ये तीनों किताबें, ठीक है जी। आपको साइज़ का भी पता लग रहा है किताबों का, ये देख लें ऊपर ही दो किताबों का कागज़ बस ठीक है, नॉलेज तो है ना। ये इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, लेक्चर ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, फेडरल पब्लिशर्स कमीशन, एमए इंग्लिश, एमफिल, पीएचडी, मॉडल पेपर, सोल पेपर, ठीक है जी। अब ये तीनों किताबें मैंने यहाँ पर रख दी हैं आपके सामने, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ये सीएसएस की किताबें हैं इसलिए इन पर डिस्काउंट देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब कीमत कम होगी तो उसका डिस्काउंट ऑब्वियसली कम होता है, डिस्काउंट कम मिलता है, डाक का खर्चा डाल के सम टाइम किताब इतनी की नहीं होती, डाक ऊपर निकल जाती है, तो कस्टमर कहता है जी आप किताब महंगी देते पड़े हैं भाई। हर अब क्या किया जाए ना, सर्विसेज हमने सर्विस देनी है, 50 किताब परचेज करनी है, उसको प्रॉपर पैक करना है, डाकखाने जाकर देनी है, उसको डाक के टिकट लगनी है, सारे काम हैं। अगर आप किताब परचेज करने मार्केट में आते हैं तो आपके 2-3 घंटे गए, आपका 200-400-500 का पेट्रोल गया, अपनी भी चीज़ें बीच में डालें ना आप, सोचें तो फिर उसको डालेंगे तो फिर आपको पता लगेगा ये किताबें सस्ती हैं, जो बाई डाक हमें किताबें आ रही हैं सस्ती आ रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये किताबें हमसे चाहिए हमें, आप व्हाट्सएप ऑर्डर करें, हम आपको किताबें भेज देंगे, डाकिया आएगा किताब देगा पैसे ले लेगा। अस्सलाम वालेकुम।